सीटीओ मुसनसर फेरोज कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्ते चलते हैं। अपनी कुर्बानियों को, अपने शहीदों को भूलती नहीं है। इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे फोर्स के जितने भी शुदा हैं या वो लोग हैं जो दौरान सर्विस फौत हुए हैं, जो किसी वजह से हमारे गाजी हैं जो इनकैपेसिटेट हो गए हैं, हम एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि हम उन तमाम का परसिस्टेंटली ख्याल रखें, उनकी फैमिलीज को, उनको खुद को किसी किस्म की तंगी ना हो। इसमें गवर्नमेंट ने हमें ऑलरेडी बड़ी सपोर्ट की है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास खुद भी कोई फंड्स की कमी नहीं है, आईजी साहब की इंस्ट्रक्शन भी हमें हैं। हम इंशाल्लाह ताला अपने रवैये से जो लोग दुनिया से चले गए हैं उनको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उनकी फैमिलीज के लिए खैर का, बरकत का, आसानी का बाइस जरूर बन सकते हैं। और मैं आखिर पे फिर ये कहना चाहूँगा कि ये अजीम दिन, ये अजीम कुर्बानी हमारे अज़म को मुतलज़ल नहीं कर सकती। हम इंशाल्लाह ताला पहले से ज़्यादा जज्बे के साथ, पहले से ज़्यादा हिम्मत के साथ और पहले से ज़्यादा यगानियत के साथ मिलकर इंशाल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करेंगे और आपकी खिदमत करेंगे इंशाल्लाह ताला। जिस तरह मुल्क में फिर दहशतगर्दी की लहर है और दुनिया की कोई भी फोर्स कामयाब नहीं हो सकती जब तक शहरी साथ ना दें, तो फोर्स के साथ शहरियों को क्या पैगाम देंगे इन हालात में? शहरियों को भी एक पैगाम है, देखें कि इस हमारी दहशतगर्दी खिलाफ जंग में तकरीबन 80,000 लोग शहीद हुए जिन्होंने अपनी जान को नजराना दिया, और एक कसीर तादाद में पुलिस और आर्मी के अफसरान ने अपनी जानों को नजराना पेश किया।